किशन केविन ब्लॉग्स। सो आप सबका स्वागत है इस चैनल पे गाइस। सो हम बना रहे हैं सेकंड ब्लॉग। सो हम आज जा रहे हैं घूमने, तो हम आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं हम क्या पे जा रहे हैं आज। चले गाइस, जो जगह हम दिखाना चाहते थे वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये देखो गाइस, ये थोड़ा सा जंगल वाला एरिया, यहाँ पे पहाड़ पुलिस है, यहाँ पे लोग कैंपिंग, रनिंग, साइकिलिंग करने आते हैं। बीच बीच में रास्ते इन्होंने बनाए हुए हैं साफ सुथरे। और जो ये सामने है ये गाइस, हम आपको यही दिखाने लेके आए हैं। अब हम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर पूरा तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सो गाइस बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बाहर से भी और यहाँ के भी। सो गाइस अमेरिका में गर्मी बहुत है। सो मैं गाइस ये आगे का थोड़ा सा टूर आपको दे देता हूँ। सो जी गाइस, यहाँ पे गर्मी बहुत है पर अब स्टार्ट किया है तो करना पड़ेगा। तो गाइस चलें, गाइस हम अंदर चलते हैं, वो मेरे पीछे ही है गेट, और इसके अंदर जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो उसमें गाइस यहाँ के हटके है, लाइक इस दुनिया में वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो सो एक ये म्यूज़ियम है, सो मास्क डाल लेते हैं, साइन बना हुआ था। वॉच आप खड़ी कह सकते हैं इसको। तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2 बज रहे हैं और इसमें भी 2 ही बज रहे होंगे शायद से। इसको आपको आपको कुछ अंदर का दिखाते हैं। तो ये है सेकंड एंट्रेंस, आप यहाँ पे जाके आप वो चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे पहले कुछ होता था, आप चेंज कर दिया है बहुत। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारी धरती की और हमारे मून की दूरी और टाइम, ये कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पे। और उसके सामने ही हमें मिल जाएगा मून कैसे कैसे चलता है और कितने कितने बजे आता है मून, इसका कुछ टाइमर आपको दिखेगा। सो हम अब आगे चलते हैं। सो ये गाइस इन्होंने कुछ स्पेशली ऐसे बना के रखा हुआ है जो फोटो में दी। तो कैसे मून या तारे अपनी दिशा बदलते हैं। सो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मोस्टली लिक्विड लिक्विड फॉर्म में भी पड़े हुए हैं और हार्ड फॉर्म में भी हैं, जो पत्थर जैसे हैं। और यहाँ पे आप जुपिटर, मून, मार्स, सैटर्न का भी है और आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, इससे अफेक्टेड हो सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने
आगे तो मिलते हैं। आगे कुछ ऐसे है। दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं आपको क्या क्या दिक्कत है। कब मैं पहली बार कब आया था यहाँ पे, बहुत कुछ चेंज कर दिया है, पहले कुछ अलग दिखता था पर जब बिल्कुल सही है वैसे आई थिंक मेरी आवाज़ तो ठीक से ना आती और क्योंकि यहाँ पे शोर और मैंने मास्क डाला हुआ है, यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स या वैसे बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये इसका मैप है यहाँ का पूरा और ये रॉकेट है गाइस। हु लव साइंस उसको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, कभी आप अमेरिका में आते हो तो इन एलए तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। तो हम अब थोड़ा सा बाहर जाते हैं, इसके यहाँ पे इतना ही था, अब बाहर से आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम ऊपर आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतनी गर्मी है यहाँ पे, नोरा फतेह का पसीना निकले निकले हमारी जान ज़रूर निकल जाएगी। इसके अंदर कुछ मशीन पड़ी हुई है जिससे आप यूनिवर्स दे सकते हो। सो गाइस आपने ये देखा ही होगा अंदर से, अब जो आपको मैं बता दूँ ये जो GTA 5 में भी ये दिखाया हुआ है और आपको पता लग गया अब इसके अंदर क्या है। GTA 5 में ऐसे दिखाया हुआ है, हाँ भी इसके अंदर प्रेसिडेंट रहता है या ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको अब इसके अंदर पता लग गया है क्या है। तो गाइस सो भी कमेंट करके बताओ जिन्होंने GTA 5 खेली हुई है और ये चीज़ देखी हुई है, या कमेंट करके। सो गाइस हम घर आ चुके हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, बाय गाइस, बाय।